Krishna. आज मैं आपको गुरु विषय पर एक कथा सुनाने जा रही हूँ कि किस प्रकार हमारे जीवन में गुरु बृहस्पति का स्थान है। गुरु बृहस्पति को गुरु का स्थान भी प्राप्त है, आप सभी जानते ही होंगे। एक समय की बात है, एक सेठ था, बहुत अमीर, सब कुछ उसके पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं, धन संपत्ति वैभव संतान सर्व सुख उसके पास था। तो सेठ इतना कमाता, इतना वो अमीर था कि वो अपने लिए कुछ नहीं रखता, वो सब कुछ दान कर देता, क्योंकि उसका मानना था कि ईश्वर हमें दे रहे हैं ताकि हम दूसरों की सहायता करें। इतने अच्छे, इतने कोमल उसके विचार थे, तो वो अपने लिए कुछ नहीं रखता, सब कुछ दान कर देता। इतना सरल स्वभाव, दया स्वभाव का वो सेठ था। परंतु उसकी पत्नी बड़ी क्रूर थी, उसे बड़ा क्रोध आता कि मेरा पति इस तरह धन लुटा रहा है, उसे बड़ी ईर्ष्या होती। तो एक बार सेठ को कार्य के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा, तो पत्नी घर में अकेली थी, वो अपना कुछ कार्य कर रही थी, तो उसके दरबार में बृहस्पति जी आ गए साधु भेष में कि माई भिक्षा दे। वो तो इतनी क्रूर, भिक्षा के नाम से तो वो पहले ही क्रोधित रहती थी कि मेरा पति ही इतना लुटा देता है, मैं तो नहीं लुटाऊंगी। तो उसने बृहस्पति जी को कहा, बृहस्पति जी तो साधु वेश में थे, तो उन्होंने बृहस्पति के रूप में उस साधु को कहा कि मैं आपको दक्षिणा नहीं दूंगी, मेरे पति सभी को दान देते रहते हैं, मैं तो तंग आ गई हूँ इन दान देने से ही, मुझे ऐसा धन चाहिए ही नहीं जो दान में ही लूट रहा है, ऐसा धन आप समाप्त ही कर दीजिए, ऐसा उसने कह दिया, ऐसी उसकी बुद्धि। बृहस्पति जी ने कहा कि इतनी अच्छी बात है, लोग धन के लिए तरसते हैं, तेरे पास तो इतना धन है, तू अच्छे कार्य कर ताकि तेरे आगे का मार्ग उचित बने। तो वो कहती है कि मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए, आप इसे नष्ट कर दीजिए। बृहस्पति जी ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, यदि तुझे ऐसा धन नहीं चाहिए तो तू 7 बृहस्पति बार तक अपने बाल धो, अपने वस्त्र धो और मांस मदिरा का पान कर, 7 बृहस्पति बार तक। अभी उसने सिर्फ 3 बृहस्पति बार को ही ये सब कुछ कर दिया था और उसका सारा धन, सारी संपत्ति, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। और जब सेठ शहर से वापिस आए, बड़ी दरिद्र स्थिति उनकी भी, अब
दिन गुजारने बड़े कठिनाई हो गई, दिन गुजारने उनकी उस स्त्री पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अब बेचारे सेठ जी और उनकी पुत्री केवल बड़ी कठिनाई से जीवन बिताने लगे। खाने के लिए अन्न भी उनके पास नहीं रहा, इतनी दर्द-दरिद्र स्थिति उनकी। एक दिन उनकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा की कि पिताजी मुझे दही खानी है। अब पिताजी के पास इतने पैसे कहाँ कि वो दही ला कर दे। बेचारे लकड़ियां काटते, अब लकड़ियां काट कर जीवन यापन करने लगे। कहाँ इतने बड़े सेठ हुए और कहाँ लकड़ियां काटने पर आ गए। तो उन्होंने अपनी बेटी को सांत्वना दी कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा, और बेचारे लकड़ी काटने चले जाते हैं और ईश्वर से बड़ी प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया कि मुझे आपने आज ऐसी कठिनाई में डाल दिया। बेचारे भूख से इतने पीड़ित, कुछ खाने को भी उनके पास नहीं। तभी इतनी आश्चर्यजनक बात होती है कि वाणी होती है कि आज राजा के दरबार में भोज है, तो सभी गांव वाले वहां पधारे। भगवान वैसे किसी का बुरा नहीं करते, किसी के साथ यदि बुरा हो भी रहा तो उसके लिए रास्ता निकाल ही देते हैं। अब बेचारे इतने दिन से वो भूखे थे, भगवान ने उनके लिए रास्ता निकाला और राजा के महल में भोज जो रखा उसके लिए उन्हें निमंत्रण दिया गया, सभी गांव वालों को निमंत्रण दिया गया। तो सेठ और उनकी पुत्री सबसे अंत में गए और तब तक तो भोज भी समाप्त हो चुका था। तब भी राजा इतना करुणामयी था वहां का, तो राजा ने उन्हें बड़े आदर से बुलाया और कहा भोजन करिए। वो जिस कक्ष में भोजन करने बैठे वहां पर रानी का एक हार था, और जैसे ही उन्होंने भोजन किया वो सेठ और उनकी पुत्री, अब तो सेठ दरिद्र ही स्थिति में आ गए थे, तो वो घर की तरफ चलने लगे। तो रानी ने कहा कि रुकिए, रानी ने कहा मैंने यहाँ पर अपना एक हार रखा हुआ था, आप लोग ही यहाँ पर आए, आप लोग ने ही वो हार चोरी किया है, जबकि उन्होंने तो ऐसा कुछ कार्य ही नहीं किया था। ये सभी स्थिति उनकी स्त्री के कारण उनकी हो रही थी। तो बड़े करुणामय स्वभाव से उन्होंने कहा कि मैंने रानी आपका हार नहीं लिया है, पर रानी ने कहा कि तुमने ही मेरा हार लिया है, तुम्हारे सिवाय इस कक्ष में कोई नहीं आया। तो राजा उन्हें कैद कर देता है, जेल में डाल देता है, और वो कैद बंदी ऐसे मार्ग के साथ लगी होती थी, तो मार्ग में ही बृहस्पति भगवान का बड़ा गुणगान करते कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मुझे आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बृहस्पति भगवान से बड़ी प्रार्थना करने लगे, तो बृहस्पति जितने करुणामयी दर्शन दे दिए और सेठ को कहा कि तुम्हारी पत्नी ने ऐसा ऐसा किया है, इस कारण तुम्हारी ये हालत है। तो वो सेठ कहता है कि क्या इस मार्ग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? तो बृहस्पति जी कहते हैं तू बृहस्पति बार का पाठ कर, गुड़ चना लेकर उसका भोग लगा और सभी को बांट दे। अब जेल बंदी में वो है तो किसे बांटेगा, और जो उसके आसपास कुछ कैदी थे उन्हें ही बांट देता। तो भगवान ने ऐसी उनकी लीला, कुछ माया भी उन्होंने जेल में रख दी ताकि वो थोड़ा सामान ले सके, क्योंकि जेल बंदी रास्ते से बिल्कुल मिलती हुई थी। अंतर ध्यान हो गए बृहस्पति जी इतना कहकर। तो बाहर से एक औरत जा रही थी, तो उसने उस महिला को बोला कि माई मुझे गुड़ और चना ला कर दे दे, मैंने बृहस्पति बार का पाठ करना है। तो
उस महिला ने बोला कि मेरे पास तुम जैसे कैदियों के लिए समय नहीं है, मैं अपने पुत्र बधु के लिए गहने लेने जा रही हूँ क्योंकि मेरे पुत्र का विवाह है, तो मैं तुम्हारा कार्य नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वो स्त्री चले गए। अब एक दूसरी महिला का वहां पर प्रवेश हुआ उस मार्ग से, तो उसने उस महिला को आवाज लगाई कि माई मेरे लिए गुड़ और चना ला दे। परंतु उस माई ने कहा कि मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही हूं, परंतु मैं तुम्हारा कार्य सबसे पहले करूंगी, उसके बाद मैं कफन अपने पुत्र के लिए लाऊंगी। तो माई उसके लिए गुड़ और चना लेकर आती है और वह सेठ जेल में ही बृहस्पति बार का पाठ करता है और उस महिला को भी सुनाता है, और वो महिला प्रसाद लेकर अपने घर जाती है, कफन लेकर अपने पुत्र के लिए। ऐसी माँ की स्थिति, घर गई, अपने मृत पुत्र को भी उसने वो भोग खिलाया, और आश्चर्यजनक बात कि उसका पुत्र फिर से जीवित हो उठा। ऐसे हमारे भगवान की लीलाएं जो भुलाए ही नहीं भूलती, यह सत्य प्रमाण है। अब तो चलो खैर कलयुग है, इसमें तो ये सब कुछ होना संभव है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ये सब होता था। उस समय के मनुष्य भी बड़े करुणामयी, बड़े सरल स्वभाव के थे। तो उसके बाद जो वो गहने लेने अपने पुत्र बधु को जा रही थी, तो उसके जब उसके बेटे की बारात जाती है तो बेटा घोड़ी के द्वारा मार दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर वो बृहस्पति जी से बड़ी क्षमा याचना करती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ऐसा ऐसा किया, मैं उस सेठ की सहायता नहीं कर पाई। फिर वो बृहस्पति जी का पाठ करती है और बृहस्पति जी से क्षमा मांगती है, तो बृहस्पति जी उस पर करुणा करके उसके पुत्र को भी जीवित कर देते हैं। ऐसी लीलाएं हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा की हमें देखने को मिलती है भी, परंतु अब उतना प्रभाव नहीं रहा, क्योंकि अब मनुष्य ही भगवान के लिए कुछ नहीं करते, तो भगवान फिर भी कर रहे हैं, भगवान की लीला तो फिर भी है, यदि आप सच्चे दिल से ईश्वर को मानो तो। अब सबसे बड़ी भक्ति क्या है? भक्ति तो हम सभी कर लेंगे, जाप कर लेंगे, माला कर दी, थोड़ी देर भजन कर दी, केवल वो भक्ति नहीं है। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? आप कोई भी वस्तु देख रहे हैं, कोई भी चीज, वह सभी भगवान के अंश है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव, सभी में भगवान के अंश है। एक भक्ति तो यह है कि हम मंदिर गए, भगवान की पूजा की, भगवान की अर्चना की, भगवान का भजन किया, एक भक्ति तो ये है, हाँ बेटी। और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति यह है कि आप प्रत्येक जीव, प्रत्येक जंतु, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक संसारी में भगवान को देखो, वो सबसे बड़ी भक्ति है। यदि आप सिर्फ मंदिर तक ही सीमित है, फिर उस भक्ति का कोई अर्थ नहीं। यदि आपको प्रत्येक जीव में भगवान नहीं दिख रहा, प्रत्येक संसार की वस्तु में आपको भगवान नहीं दिख रहे, एक तरफ तो आप माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान का टीका लगा रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और दूसरी ही तरफ कुछ लोग जीव को खा रहे हैं, प्राणियों को मार रहे हैं, प्राणियों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, पशु तुल्य अपने जीवन को बना रखा है। तो ऐसी भक्ति कोई मायने नहीं रखती। मैं आपके ऊपर कटाक्ष नहीं कर रही, क्योंकि जब तक आपकी किसी जीव में करुणा ही नहीं है, करुणा भाव ही नहीं है, तो भक्ति कैसी?
यदि आप केवल मंदिर तक सीमित हैं या भगवान के भजन तक सीमित हैं। ऐसे तो कुछ लोग बड़ा भजन करते हैं, बड़ा गुणगान करेंगे, माला लगाएंगे, टीका लगाएंगे। भाई हम तो भगवान के भक्त हैं, परंतु दूसरी ही तरफ ऐसे दर्दरित कार्य करेंगे तो वो भक्ति कैसी? अब भगवान मिलने भी कठिन है। सभी लोग कहते हैं हाँ भाई हम इतना करते हैं, भगवान हमें कभी नहीं मिलते। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ध्रुव को भगवान मिले, प्रहलाद को भगवान मिले, वाल्मीकि को भगवान मिले, हनुमान को उनके श्री राम मिल गए। अब तो कलयुग है, कलयुग में भी बहुत से प्रमाण ऐसे कि बहुत से मनुष्यों को भगवान ने दर्शन दिए। यदि आप सच्चे दिल से उनको पाओ तो भगवान को पाना भी मुश्किल है। यदि आपको भगवान को पाना है और आपसे हो नहीं रहा, आपसे भजन नहीं हो रहा, कीर्तन नहीं हो रहा, करुणा किसी के प्रति नहीं जाग रही, तो एक सबसे अच्छा उदाहरण, यदि आप कहीं जाते हैं आपको साथी नहीं मिलेगा तो आप चलते रहेंगे, रास्ते में कोई भी मिल गया तो उसे पूछेंगे हाँ भाई तू भी उसी मार्ग में जा रहा है, तो बोलेगा हाँ, तो आप कहेंगे मुझे भी छोड़ दे वहां तक। आप उसे करुणा भाव करके, उसे प्रार्थना करके उसके साथ बैठ जाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं, तो आप अपने मार्ग तक पहुंच जाते हैं। और यदि आपको सच में भक्ति के मार्ग में पहुंचना है तो किसी महापुरुष, किसी गुरु, किसी भक्त के पांव पकड़ लो, बस उनके पांव पकड़ लो। वो तो अपना मार्ग निकाल रहे हैं, यदि आप उनके पांव पकड़ोगे तो आपको भी मार्ग बना हुआ मिलेगा। सिर्फ उनकी संगति करने से, क्योंकि जैसी संगति होगी वैसा ही आपका आचरण होगा। यदि आप शराबी की संगति करोगे तो शराब पीना सीख जाओगे, जुआरी की संगति करोगे तो जुआ खेलना सीख जाओगे, किसी गुरु की संगति करोगे तो अध्ययन में लग जाओगे, और किसी भक्त की संगति करोगे तो फिर तो आनंद कैसा, भगवान का भजन, भगवान का सुमिरन, फिर तो हर क्षण। क्योंकि जैसी आप संगति करोगे आप वैसे ही बन जाओगे। और आप सभी से अनुरोध है, किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाए, किसी जीव को ना मारे, किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाए। ये जीव की ही अकेली बात नहीं है, किसी प्राणी मात्र को भी आप लोग कष्ट ना पहुंचाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पहले तो कष्ट पहुंचा दिया, बाद में पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। बाद में पश्चाताप करके क्या अर्थ, जब पहले। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। Das Guru Dance. सबकी कर दिल की थोड़ा तू बन फिल्मी, जो तुझको ताने दे उन्हें डांस स्टेप से दे जवाब, जीत की होड़ी स्टेज को फोड़ दे, आग लगा के दिलों को जोड़ दे, बूट सूटिया पहन तू चप्पल बूट उठ नाच चल, डांस कुलू डांस, यू गॉट वन चांस, नचिले नचिले आ नचिले तू आजा, डांस कुलू डांस। कुल्लू की खास हस्तियों के साथ अब लाइव होगी सीधी बात, जिसमें सवालों के मिलेंगे जवाब, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर होगी चर्चा। देखना ना भूले खास कार्यक्रम लाइव अपडेट रात 8:30 बजे।